श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारास जी, महासचिव पवार जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी यहाँ पधारे, सभी पदाधिकारी गण और विशेष करके और हमारे बहुत से नेता इस मंच पे बैठे हैं। मैं उस सभी का नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोगों की बात सुनने के लिए। अब सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया, कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने यह कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख? अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई, वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं, तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले? ठीक है छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी
दुप्पट कर दूंगा, उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए, क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं 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 बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद, उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे आज इंदिरा गांधी नहर से लोग किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाग भिलवाड़ में हमने बनाया, मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने, आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है, बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया एम्स? किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट,
HAL, BAL, BHEL, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किया उसका हिसाब दे रहे हैं। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मट्टी पर गई है, चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.